भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित मैत्री बाग में नववर्ष के अवसर पर 1 जनवरी के दिन उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए व्यापक तैयारियां की गई थी। बीएसपी के उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित मैत्री बाग शनिवार को पर्यटकों के लिए खुला रहा। बीते साल कोरोना की वजह से यह बंद था। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए मेन गेट पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। वहीं हर पर्यटक को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था। मैत्री बाग में कुल 15 टिकट काउंटर बनाए गए थे तथा भीड़ का नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस के लगभग 60 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात थे। तो वहीं मैत्री बाग प्रबंधन ने भी 20 सुरक्षा कर्मियों को भी व्यवस्था में लगाया था। मैत्री बाग में ऑर्केस्ट्रा की भी व्यवस्था की गई थी। यहां स्थानीय कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी। कोविड पेंडेमिक के कारण बंद था मैत्री बाग, तो इस बार प्रबंधन ने विचार करके खुला है और ये देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। हमने सावधानी पूर्वक लोगों को बोला कि मास्क लगा के आएँ, आने के पूर्व हाथ को सैनिटाइज करें और जू में जाते समय हम थर्मल स्क्रीनिंग के भी काम कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण अभी रुक रुक के हो रहा है। लग रहा है 10,000 से ऊपर की संख्या में आ गए और हमको उम्मीद है कि 20,000 के ऊपर पर्यटक यहाँ पे मैत्री बाग में आएंगे। खास तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है कि बहुत खूबसूरत रंगोली डाला गया है और जो हमारा जो म्यूजिकल इवेंट हो रहा है जो मेन लाइन के बगल में, वहाँ पे अच्छे अच्छे सिंगर आए हुए हैं और वो बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, इसको पर्यटक लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, नया साल के उपलक्ष्य में सब घूमने फिरने आए हैं, जो भी जीव जंतु हैं उसको देखने के लिए एंजॉय कर रहे हैं। कारण वही मास्क लगाओ, गेट में बोल रहे हैं सब मास्क लगा कर अंदर आओ। अभी तो खैर यहीं तक देखे हैं, अब अंदर जाएंगे तो फिर पता चलेगा। खास नहीं है बाकी ठीक ठाक है, अभी खुला है तो है ना। ये है मास्क लगाओ है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो है ना, और क्या है थोड़ी दूरी रखो, ऐसा करके बस सोचता है रहेगा। हाथ हाथ वगैरह साफ सफाई रखो। ठीक।